हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन. टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट अंडर सब्सक्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट. अंडर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन इन्वाइटेड फॉर सब्सक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, बट The applications were received for 190,000 shares. Only in such a situation, the allotment will be confirmed to 190,000 shares and entries shall be made accordingly. So, when company issued more shares but public subscription only less number of shares, its situation called under subscription. So, इसका मतलब है कि जब कंपनी अपने शेयर्स ज़्यादा इशू कर रही है लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर रही है कम शेयर्स को, और उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि व्हेन अ कंपनी ऑफर 2 लाख शेयर, कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है पब्लिक को 2 लाख शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, बट एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 190,000 शेयर. तो इसका मतलब है कि कंपनी 2 लाख शेयर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को इन्वाइट कर रही है, और यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो कंपनी को 190,000 शेयर्स की ही रिसीव हो पाती है. इन सच ए सिचुएशन द एप्लीकेशन द अलॉटमेंट विल बी कन्फर्म टू 190,000 शेयर्स एंड एंट्री शैल बी मेड अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर जो कंपनी है वो केवल 190,000 शेयर्स जो वहाँ पर रिसीव हो रही है एप्लीकेशन, उनके लिए ही अपनी जनरल एंट्री को प्रिपेयर करेगी. इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द कंपनी हैज रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट लेस देन 90% of the offer, otherwise the procedure for issue of shares cannot proceed. Further, the company will have to refund the entire subscription amount received. यहाँ पर बताया जा रहा है कि not less than 90% कि जो minimum subscription है वो company receive कर सकती है public से केवल 90% subscription ही, इससे ज़्यादा नहीं. The procedure for issue of share cannot proceed further, और उससे अगर ज़्यादा उससे कम पैसे अगर मिलते हैं तो company वहाँ पर प्रोसेस नहीं करेगी, इश्यू ऑफ शेयर्स को प्रोसीड नहीं करेगी. एंड द कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव. और अगर ऐसा होगा कि 90% से कम वहां पर जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी में, तो उस अगर 90% से कम इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो रहा है तो कंपनी सारा पैसा वापस कर देगी, और एक नए सिरे से और एक नए टाइम पर क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर्स को फिर से इशू करेगी. तो इसका मतलब है कि सपोज कंपनी ने 100 शेयर जो है वो इशू किए, 100 रुपीज़ का कोई शेयर इशू किया, और 90% से कम अगर पैसा उसको मिलता है तो कंपनी उस सारे पैसे को रिफंड कर देगी और शेयर्स को भी अभी होल्ड पे रखेगी. और जब उसको फिर से जो सब्सक्रिप्शन है वो अकॉर्डिंग टू द शेयर्स होंगे, जितने वो चाहती है इन्वेस्टमेंट उतना अगर इन्वेस्टमेंट होता है इन फ्यूचर, तो वो अपने शेयर्स को फिर से रीइशू करेगी. अदरवाइज 90% अगर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो इन सब सिचुएशन में अपनी शेयर कंपनी कंटिन्यू नहीं करेगी. इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, तो यहाँ पर जो है कि शेयर्स कंपनी अपने प्रीमियम पे इशू कब करती है, ठीक है. इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर द शेयर ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड वेल मैनेज कंपनीज टू बी इश्यू एट अ प्रीमियम. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कंपनी अपने शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब तो हमें पता चला कि अंडर सब्सक्रिप्शन की जब कंपनी शेयर्स इशू ज़्यादा कर रही है, इन्वेस्टमेंट लोगों से ज़्यादा कराना चाहती है, लेकिन वहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं और कम शेयर्स के लिए ही मार्केट में क्या है अवेलेबल हैं एप्लीकेंट्स, तो इस कंडीशंस में अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन जो है वो कंपनी को फेस करनी होगी. अब यहाँ पर एक दूसरा जो टॉपिक है कि इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, कि जो कंपनी के शेयर हैं वो प्रीमियम पे कब इशू होते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वेल मैनेज है, और उसको लगता है बहुत पुरानी है, गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, और जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रेज है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये सारी जो एक मार्केट बनी हुई है इन सब मार्केट से कंपनी एक बहुत अच्छे स्टेबिलिटी पर मेंटेन कर रही है अपने आप को, तो उस कंडीशंस में जो शेयर होल्डर हैं उनके बीच में कंपनी के शेयर्स खरीदने की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है.
कि जब वहाँ पर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास जो शेयर हैं वो लिमिटेड हैं, तो ये सिचुएशन वहाँ पर, तो कंपनी उसका फ़ायदा उठाएगी और प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इशू करेगी एट एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल और एट पार वैल्यू। तो इस कंडीशन में जब कंपनी देख रही है कि मेरे पास सपोज 100 शेयर हैं और ख़रीदने के लिए 150 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हर एक कीमत पर मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और अपने शेयर्स पर कुछ अमाउंट जो है वो एज अ प्रीमियम चार्ज करेगी और अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इन्वेस्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। व्हेन अ शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू इज ₹100 इज इशू एट ₹105। तो यहाँ पर कंपनी का जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, रियल वैल्यू है शेयर की, वो ₹100 है और इशू कर रही है कंपनी अपने शेयर को 105 में। तो इसका मतलब ₹5 का उसने अपने शेयर पर क्या चार्ज किया, प्रीमियम। इट इज़ सेट टू हैव बीन इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 का जो ₹5 है वो है उसका 5%। तो कंपनी ने अपने 100 के जो शेयर हैं उस पर 5% प्रीमियम चार्ज करके उसे 105 पर अब इशू कर रही है। When the issue of shares is at a premium, the amount of premium may technically be called at an stage of the issue of share. However, premium is generally called with the amount due on allotment. और हमेशा जो premium की पैसा है वो अधिकतर जब हम allotment की जो installment है उसको take over करते हैं shareholder से या उसको मंगाते हैं, तो उसी time पर हम allotment money के साथ साथ जो premium amount है उसको भी receive करते हैं। Sometimes with the application money एंड रियली विद द कॉल मनी। और अगर कभी हम अलॉटमेंट में नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा रेयर ऐसे केस होंगे, बहुत ज्यादा ये रियली जो है सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको एप्लीकेशन पे रिसीव करेंगे या फिर किसी अन्य जो अदर कॉल है उस पर हम रिसीव करने के लिए शेयर होल्डर से कमिटमेंट करेंगे। बट 80-90% चांसेस यही हैं कि जो हमारी प्रीमियम अमाउंट है वो हमेशा हम अपनी अलॉटमेंट मनी के साथ ही इंक्लूड करते हैं और उसी टाइम पर हम उसको रिसीव करने के लिए शेयर होल्डर्स को इंसिस्ट करते हैं। द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब कंपनी को प्रीमियम का जो अमाउंट मिलता है उसे कंपनी एक सेपरेट अकाउंट जहां पर ओपन करेगी और सारा प्रीमियम का पैसा जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन शॉर्ट फॉर्म SPR में ट्रांसफर कर देगी, क्रेडिट कर देगी। एंड इज शोन अंडर द टाइटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और ये हमारा हेड है कि इक्विटी है और हमारी लाइबिलिटीज है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो अभी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है क्योंकि ओवर जो है शेयर पर वैल्यू वो चार्ज की जा रही है किसे, बाय द कंपनी। ऑफ द कंपनी इज बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। और ये सारा पैसा किसके हेड में दिखाई देगा, हमें रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाएगा। इट कैन बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग फोर पर्पज as laid down by section 78 of the company act 1956। और ये जितना भी पैसा है SPR का, यहाँ पर हम इसको किस पर्पज के लिए जो है यहाँ पर उसको ऐड कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए हमने वहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट किया है, ये हमें यहाँ पर जो फोर रीज़न है वो बताया जा रहा है। फोर पर्पज जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 1956 कंपनी एक्ट में बताया गया है कि जो आपने यहाँ पर SPR में जो रिजर्व लिया है, जो प्रीमियम लिया है ओवर यहाँ पर शेयर की वैल्यू जो आपने टेक ओवर की है शेयर होल्डर से, वो किन चार पर्पस के लिए आपने यहां पर कलेक्ट की है। फर्स्ट, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, टू राइट ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमने प्रीमियम की अमाउंट अभी रिसीव की है अपने शेयर होल्डर से, उसको हम क्या है कि एक्सटेंड नॉट एक्सीडिंग अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने अभी अपने जो शेयर अनइश्यूड हैं, जो इशू नहीं किए हैं, उसके बोनस के लिए, उसके एक रिजर्व को रखने के लिए यहाँ पर कंपनी ने प्रीमियम को चार्ज किया। टू राइट ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी शेयर्स को इशू करते टाइम जो भी उसने प्राइमरी एक्सपेंसेस किए हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए, उन सभी खर्चों को वो डिडक्ट कर लेगी अपने SPR अकाउंट से।
राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन पे, डिस्काउंट और जितना भी खर्चा उसने तुम्हारे लिए किया है, कंपनी के शेयर इशू करने के लिए किया है वो सारे खर्चे, कमीशन जिन भी ब्रोकर्स को उसने दिए हैं वो सारे कमीशन, डिस्काउंट जो कंपनी ने दिया है उस डिस्काउंट को वो वहाँ से रिकवर करेगी, और उसके बाद शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, और अगर कंपनी की कोई लायबिलिटी भी है तो वो उससे अपनी लायबिलिटी को पे करेगी। तो इन चार पर्पस के लिए कंपनी जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम शेयर पे इशू करती है। और लास्ट है यहाँ पर फोर पर्पस, टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, टू पे ऑन द रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को रिडम्पशन रीपेमेंट करने के लिए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो हमारे प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं या जो कंपनी के प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी चार कैटेगरी में डिवाइड करती है, जहाँ पर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडमेबल, नॉन रिडमेबल, इस तरह की कैटेगरी कंपनी ने सजेस्ट की हुई है। और उसके अगर अकॉर्डिंग अगर कोई प्रिफरेंस शेयर होल्डर है जो अपने शेयर्स को वापस चाहता है कि ठीक है अगर कभी कंपनी मुझे इसकी पेमेंट ज्यादा देगी तो मैं अपने शेयर्स को कंपनी को बैक ऑफ कर दूंगा, वापस कर दूंगा, या फिर उसको वापस कर देंगे। तो इन सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग टू पे प्रीमियम, जो हमने अभी 5 रुपीज का, सपोज किसी शेयर होल्डर से 5 रुपीज का प्रीमियम हमने लिया है और हम अगर उसको ज्यादा पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, और हमने उसको कुछ टाइम के बाद, जितना भी हमारा कमिटमेंट था 10 ईयर 15 ईयर, उतने टाइम के बाद ही हमने उसको 105 भी अगर वापस कर दिया तो वो हमारे शेयर्स को क्या करेगा, छोड़ देगा। ऑन द रिडम्पशन रीपेमेंट ऑफ प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की लायबिलिटी अगर चुकानी है तो हमारे रिजर्व बहुत काम आएगा, और अगर हमें अपने शेयर्स जो हैं उन पे रीपेमेंट करनी है, उनकी रीपेमेंट करनी है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो भी ये रिजर्व हमारे काम आएगा और हमारे शेयर्स हमारे वापस मिल जाएंगे। द जनरल एंट्री फॉर शेयर इशू एट अ प्रीमियम एज फॉलो, तो जब कंपनी के जो प्रीमियम इशू किए गए हैं शेयर उन पर ये सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो वहाँ पर ये जनरल एंट्री है जो हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल एज फॉलो, कंपनी ने अपने 35,000 शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करने के लिए ₹10 ईच वैल्यू वहाँ पर फिक्स की, प्रीमियम उसने चार्ज किया ₹2, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ में ₹3 अलॉटमेंट है और ₹2 की यहाँ पर कंपनी चार्ज कर रही है प्रीमियम अमाउंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर 10+2 12 हो गया, 5 3 8 बचे कितना 4, तो 4 को हमने लास्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल एक कॉल ही सिंगल बनानी है और वहाँ पर हम ये सारा पैसा रिसीव करेंगे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, रिकॉर्ड जनरल एंट्री, तो अभी सिंपल क्वेश्चन है कि कंपनी ने 35,000 शेयर्स के लिए अपने शेयर्स की जो है एप्लीकेशन वो इशू की है, ₹10 उसकी नॉमिनल वैल्यू है, ₹2 उस पर प्रीमियम चार्ज करी है कंपनी, और ये उसकी इंस्टॉलमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो रिसीव कर रही है अमाउंट 35,000 × 3। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, के सबसे पहले पैसा जो है वो बैंक में डेबिट होगा 105,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 35,000 की और एप्लीकेशन अमाउंट है ₹3 की, तो ये हुआ 105,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 105,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 105,000, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,05,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 70,000, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 35,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, ₹2 का इसमें क्या था प्रीमियम था, तो 35,000 × 2 इज कॉस्ट टू 70,000 हमारे पास क्या है प्रीमियम है, और 1,05,000 हमारा अलॉटमेंट मनी है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 35,000 शेयर एट रेट 5 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000, 35,000 हमारे शेयर्स की एप्लीकेशन है, ₹4 वहां पर जो वैल्यू है, इंटू 1,40,000
1000. Amount due on first and final call rupees 4 per share on 35,000, 1,40,000. और यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जहाँ पर हमें समझाया गया कि प्रीमियम अकाउंट किस तरह से कंपनी चार्ज करती है, और वहाँ पर हमें ये भी बताया था कि जो प्रीमियम अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे. तो जो प्रीमियम अमाउंट हमें यहाँ पर मिल रही है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट जो है उसको यहाँ पर ओपन करेंगे, और जिसे हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम उसी की अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे और सारा पैसा जो है वो रिजर्व हो जाएगा. ठीक है. इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट. जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है डिस्काउंट में तो क्या होता है. देयर आर इंस्टेंसेज व्हेन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशू एट अ डिस्काउंट एट एन अमाउंट लेस देन द नॉमिनल और एट पार वैल्यू. जब कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स को लेकिन एट पार वैल्यू पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो कंपनी क्या कह रही है कि अपनी नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू वो कर देती है जिसे हम डिस्काउंट कहती है, सॉरी डिस्काउंट कह रहे हैं, और डिस्काउंट पे कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है. द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू एंड द इशू प्राइस रिप्रेजेंटिंग डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 इज इशूड एट रुपीज 98. तो 100 रुपीज का कंपनी का शेयर है लेकिन कंपनी उसे 98 रुपीज में इशू कर रही है, तो इसका मतलब 2 रुपीज का यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है. इट इज सेट टू हैव बीन इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. तो 2% का कंपनी ने यहाँ पर इसको डिस्काउंट दिया. एज अ जनरल रूल अ कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरी इशू शेयर एट अ डिस्काउंट. तो यहाँ पर बताया कि जनरल रूल तो कंपनी का कहता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सभी कंपनी ऐसा करने लगी तो क्या होगा कि एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा और सभी कंपनी के शेयर्स जो हैं जहाँ डिस्काउंट ज़्यादा हो रहा होगा लोग वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और उनको लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा है और मार्केट में एक कॉम्पिटिशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी. इट कैन डू सो ओनली इन केसेस सच एज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर टू बी डिस्कस लेटर. यहाँ पर उसने कहा कि कंपनी अपने शेयर्स को केवल एक ही कंडीशन है जिसमें वो इशू कर सकती है डिस्काउंट में, और वो है हमारा सिचुएशन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कि जब कंपनी में हमने फर्स्ट टाइम पे शेयर इशू किए लेकिन वहाँ पर आपने खरीदे और आफ्टर सम टाइम यू हैव टू बी डिसकंटिन्यूड. तो वहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, उसने कंटिन्यू नहीं किया पैसा जमा करना, और वहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि अब कंपनी के पास एक अथॉरिटी है कि वो आपके सारे शेयर्स को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, और उन शेयर्स को फिर से री इशू करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, और जिस पर वहां पर कंपनी उनको कुछ डिस्काउंट दे सकती है. एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956. और जब ऐसा होगा तो वहां पर सेक्शन 79 अप्लाई हो जाएगा. सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. Fine Arts Limited issued to the public for subscription of 10,000 share of rupees 10 each at a discount of 10%. 110 rupees का शेयर है, 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब शेयर कितने का हुआ, 1 rupees का डिस्काउंट हो गया और 9 rupees का शेयर यहाँ पर इशू हो रहा है. At rupees 4 on application, 3 on allotment and 2 on first and final call. 4, 3, 7, 2, 9. The issue was fully subscribed and all the money was received. Pass general entry. तो कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, डिस्काउंट दिया है 1 rupees का, और 9 rupees के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने शेयर जो है इशू किए हैं. 4 rupees की एप्लीकेशन है, 3 rupees अलॉटमेंट है और 2 rupees की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. तो देखिए कैसे बनाते हैं जनरल एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 40,000. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मनी एप्लीकेशन रिसीव ऑन 10,000 शेयर एज रुपीज 4 पर शेयर. शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. नाउ द अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 10,000. यहाँ पर 10,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट जो है अलॉटमेंट यहाँ पर 3 rupees की है. अगर हम इसको पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 शेयर में अकॉर्डिंग टू 3 rupees आपको 30,000 rupees रिसीव होने चाहिए.
तो यहाँ पर अलॉटमेंट 10,000 शेयर है, 30 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, आपने डिस्काउंट दिया है उसमें 10,000 का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अमाउंट ड्यू एट ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹1 पर शेयर डिस्काउंट। तो आपके पास टोटल अमाउंट यहाँ पर आनी चाहिए थी 40,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बट यू हैव टू गिवन द डिस्काउंट 10%। तो आपने यहाँ पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पर 30,000 आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही है, 10,000 का आपको लॉस हो गया क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है, तो ये भी आपका डेबिट है, और 40,000 शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर कि अमाउंट ड्यू एट रेट ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹1 पर शेयर डिस्काउंट ऑन 10,000 शेयर अलॉटेड। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट आज अमाउंट इज हेयर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने दो क्वेश्चन को आज सीखा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, और कब कंपनी को अपने शेयर्स पर डिस्काउंट को देना या चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज हमारे पास चिल्ड्रन, अभी तक मैंने आपको जितने टॉपिक जो हैं वो कवर किए हैं, मैं एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं एक नया जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो से। इन दिस चैप्टर ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस टॉपिक लाइक मीनिंग, फीचर्स एंड काइंड्स ऑफ अ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार एंड एट अ प्रीमियम, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यूज ऑफ कैश बुक, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सो चिल्ड्रन, दिस टॉपिक विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एंड रिवाइज मैनी टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ न्यू टॉपिक। सो टेक केयर, गुड बाय।